तो ठीक ठाक ही उसका पैकेज लगा है, अब हम उसको अभी रिवील नहीं करते, वो उससे मिलते हैं फिर देखते हैं, वो अपने आप बता देगा जो उसका पैकेज है अगर उसे बताना होगा तो। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ हमारे लास्ट वाले व्लॉग के लिए, वो थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो बीच में उसे रोकना पड़ गया था, तो एज पॉसिबल जितना हो सका मैंने उसको शूट किया था, बाकी तो आपने देखा ही है वीडियो। तो आई होप आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। और गाइस ये जो बैकग्राउंड आज आप देख रहे हैं ये न्यू है, एक्चुअली क्या है ये हमारी शॉप है प्लास्टिक एंड स्टील क्रॉकरी एंड हाउस होल्ड आइटम्स की, पर इसके बारे में आज तक हमारे किसी भी ब्लॉग में बात ही नहीं हुई, लेकिन आज मैं नीचे बैठा था तो मैंने सोचा चलो आज यहीं से स्टार्ट करते हैं और हमारे फ्रेंड्स को भी पता चलना चाहिए। तो गाइस आज एक बहुत ही बढ़िया बात हुई है, आपको याद होगा मैंने आपको कुछ टाइम पहले अपने ब्लॉग में बबलू से मिलवाया था, तो उसी से रिलेटेड मुझे न्यूज़ मिली है। एक्चुअली क्या है, वो सुबह उसका फ़ोन आया तो उसने मुझे बोला भाई ये गुड न्यूज़ है, मैंने कहा बता दो भाई सो के उठे हैं तो कोई गुड न्यूज़ ही दे दो, तो उसने बोला कि मेरा प्रमोशन हो गया है, तो मैंने कहा यार बड़ी सही न्यूज़ है ये तो। फिर उसने कहा चलो आज कहीं बाहर चल रहे हैं, कुछ खा पी के आएंगे, ट्रीट मेरी तरफ से। तो मैंने कहा ठीक है भाई आ जा, मैं वेट कर रहा हूँ तेरा। और गाइज उसकी जॉब का मैं बता दूँ आपको, भाई वो जॉब करता है TCS में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में, तो ठीक ठाक ही उसका पैकेज लगा है, अब हम उसको अभी रिवील नहीं करते, वो उससे मिलते हैं फिर देखते हैं, वो अपने आप बता देगा जो उसका पैकेज है अगर उसे बताना होगा तो। फिलहाल वो आने वाला है तो मैं भी जाके रेडी हो जाता हूँ फटाफट से और फिर निकलते हैं। तो गाइज फाइनली बबलू आ गया है मेरे घर और अब हम जाने वाले हैं बदनपुर, एक दो मिनट में निकलेंगे और मैं दिखाता हूँ तुम्हारे को बबलू का हायाबुसा, अपनी हायाबुसा लेके आया, हट जा भाई हायाबुसा दिखाने दे। देखो ये है इसकी हायाबुसा, इसकी हायाबुसा का नाम पता नहीं पल्सर से क्यों आता है, मुझे तो इसने बताया था मैंने हायाबुसा ली छोटी हायाबुसा है। चलो निकलते हैं गाइस। तो ओके गाइस तो अब हम निकल रहे हैं और किधर जाना है वो पीछे ये डिसाइड कर लेगा, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। तो चल चल बस देख लेंगे किधर ना किधर तो चलेंगे, पहले बेसिक यहाँ से जो सबसे पास पड़ता है वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ चल के देखते हैं क्या बनता है। चलो अभी हम पहुंच गए हैं पेट्रोल पंप, क्योंकि बबलू की हायाबुसा जो है वो पेट्रोल बहुत पीती है, तो फिलहाल इसमें पेट्रोल डलाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं, वो लाइन में लगा हुआ है मैं उसका वेट कर रहा हूँ बाहर, देखो जैसे ही पेट्रोल डल के आता फिर आगे निकलते हैं। तो भैया पेट्रोल डल रहा है बहुत ज़्यादा, कितना डल रहा है भाई, कितने का डल रहा है पेट्रोल, 4 लीटर डलवा रहा भाई, पैसे वाला आदमी हो गया आज के लिए, 4-4 लीटर पेट्रोल डलवाएगा। तो गाइस पेट्रोल वेट्रोल डला लिया है, अब हम पहुंच गए साकेत, साकेत में यहाँ पे एक डोसे वाला है बहुत मस्त डोसा बनाता है, बहुत दिन से हमारा मन कर रहा था वहाँ जाने का। देखो जो जिप्सी खड़ी है, ये हमें देख रहे थे ये क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो आज डोसा खा के आएंगे, बहुत दिन हो गए, बहुत टेस्टी डोसा बनाता है। तो हम आ गए, जब घूमने निकले थे तो सोचा कहीं थोड़ा सा घर से दूर चलते हैं, 4-5 किलोमीटर है वैसे हमारे घर से, बहुत दूर नहीं है, तो मैं दिखाता हूँ आपको उसकी शॉप। गाइस ये देखो ये है वो डोसे वाला, कंगनम फास्ट फूड नाम है इसका, साकेत में है। और इसके पास क्या दिक्कत है, एक तो भीड़ बहुत होती है और दूसरी बात क्या है ना, ये वीडियो वगैरह शूट नहीं करने देता,
तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो फिलहाल हम जा रहे हैं उसके पास, कुछ खाते पीते हैं, और वो तो मैंने बता दिया आपको कि वीडियो वो शूट करने देता नहीं है। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले कट में। 20 minutes later। तो गाइस डोसा वोसा खा लिया है, और लाइक ऑलवेज धासु ही बनाता है वो, बहुत ही सही वाला, एक नंबर टेस्टी। और उसकी वाइट चटनी जो होती है नारियल वाली, उसका तो भाई कोई जवाब ही नहीं है, उससे बढ़िया चीज़ तो कोई है ही नहीं है। देखो एक कुत्ता आ गया पीछे हमारे फ्रेम में, पता नहीं कहाँ से ये कुत्ता घुसा है। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम घर के लिए, बाकी देखते हैं आगे कुछ होगा रास्ते में, अगर कहीं रुकने का मूड बनेगा तो वहाँ का जो भी होगा देखा जाएगा। गाइज अब हम पहुंच गए हैं मदनगिर, हमारे घर के पास में पड़ता है, कोई 2-3 किलोमीटर के आसपास होगा हमारे घर के, तो हम वहां पहुंच गए हैं अभी। तो गाइज हम जल्दी जल्दी में एक गड़बड़ करिया है, हम तो डोसा वोसा खाया है घर के लिए लाना भूल गए, तो अभी मैंने बिलाल बबलू को भेजा है, वो गया हुआ है लेने, पैक करा के ले आएगा, मैं बाहर उसका वेट कर रहा हूँ, देखो कितनी देर में आता है, अभी तो जस्ट गया है। पता ना ऐसी गड़बड़ कैसे कर देता हूँ मैं हर टाइम, बार बार मुझसे ये गलती हो जाती है। 1 hour later। तो गाइस घर के लिए खाने का सामान हमने पैक करा लिया था, वो लेके हम आ गए हैं फाइनली घर, और हमारा आज का घूमना फिरना हो गया है पूरा फाइनल। तो आज के लिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं, आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।